झारखंड में सीट शेयरिंग के ऐलान के लिए रांची में एनडीए का मंच सजा। झारखंड के बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रामनामी अंग वस्त्र पहना। आजसू पार्टी के मुखिया सुदेश महतो ने मंद मंद मुस्कुराते हुए हाथ का इशारा किया, रामनामी पहनने से इनकार किया और बेहद औपचारिक अंदाज में झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान शुरू हो गया। ये 10 सीट में आजसू लड़ने जा रहा है, जमशेदपुर वेस्ट और तमार जनता दल यू लड़ेगा, लोक जनशक्ति पार्टी एक सीट में चुनाव लड़ेगा। असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी की झारखंड चुनाव समिति के सह प्रभारी हेमंता बिस्वा सरमा ने 81 सीटों का हिसाब तो लगा दिया, लेकिन इस बात का इशारा वो पहले ही कर चुके थे कि किस्सा अभी बाकी है। अगर हमें लगता है कि कोई एक सीट में दो सीट में आजसू आगे और लड़ने से हमारा गठबंधन का फायदा होगा या आजसू को लगे कि ये सीट में बीजेपी लड़ने से गठबंधन का फायदा होगा, हम नामांकन का अंतिम तिथि तक पूरा रास्ता खोल के सीट बंटवारे के ऐलान के बावजूद ये जो चर्चा की गुंजाइश रखी जा रही है उसके पीछे है डिमांड और बंटवारे का अंतर। झारखंड में आजसू पार्टी 14 सीटें मांग रही थी, उसे 10 सीट मिली। जेडीयू 11 सीट मांग रही थी लेकिन 2 सीट मिली। इसी तरह एलजेपीआर 5 सीटें मांग रही थी, उसे सिर्फ 1 सीट मिली। और कुछ सीट शेयरिंग के लेकर कुछ सीटों पर चर्चा चल रही है, हम लोग जो भी करेंगे आपके सामने रहेगा और हम लोग मिल के करेंगे। इस राज्य में एक बड़ी जीत एनडीए का हो, यही तैयारी हमारी है। माना जा रहा है कि अगर सहयोगी न माने तो एनडीए में हुए इस सीट बंटवारे का फॉर्मूला बदल भी सकता है। 2019 झारखंड विधानसभा चुनाव में सीटों के मसले पर ही झारखंड में बीजेपी और आजसू के बीच तालमेल नहीं हो सका था, दोनों अलग अलग लड़े थे और बाद में ये हुआ कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। लिहाजा चंद सीटों के चलते इस बार गठबंधन पर आंच आए, बीजेपी शायद ऐसा न चाहे। झारखंड में हमने फैसला किया है, केंद्र ने फैसला किया है, केंद्रीय नेतृत्व ने भी तय किया है कि झारखंड का ये चुनाव एनडीए लड़ेगा मिलकर। अभी कई नेताओं का आगमन होगा, निश्चित रूप से हमारे महागठबंधन के वो नेता है। 81 की 81 विधानसभा में इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को उनको डब्बे में बंद करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।